नमस्कार, आप देख रहे हैं हरियाणा न्यूज एक्सप्रेस और मैं हूं आपके साथ छवि। आइए रुक करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर की ओर। यूक्रेन में गोलीबारी और भारी बमबारी के बीच लक्सर के संगीपुर गांव का कुर्बान अली सुरक्षित घर वापस पहुंच गया है। कुर्बान अली ने घर वापसी के बाद यूक्रेन के हालातों के बारे में विस्तार से जानकारी दी। उन्होंने बताया कि इस समय यूक्रेन में हालात बहुत ही भयावह हैं। यूक्रेन में हर बीतते दिन के साथ हालात बिगड़ते जा रहे हैं। कुर्बान अली यूक्रेन इवोनिया शहर में मेडिकल की पढ़ाई कर रहा था। युद्ध शुरू होने के बाद उसने और उसके साथ पढ़ने वाले भारतीय छात्रों ने वहां से निकलने की कोशिश की, लेकिन बमबारी के चलते वे निकल नहीं सके। फिर 25 फरवरी को अपने साथ कुछ खाने के सामान के साथ बस में सवार होकर निकले और करीब 6 घंटे के सफर के बाद वे रोमानिया के बॉर्डर से 15 किलोमीटर पहले ही बस ने उन्हें छोड़ दिया। यहां से वे पैदल ही रोमानिया पहुंचे। इसके बाद 28 फरवरी तक यहीं रहे। कुर्बान अली ने यूक्रेन के हालातों के बारे में बताया, पिछले 4 दिनों से लगातार गोलीबारी और बमबारी हो रही है। उन्होंने बताया कि रोमानिया बॉर्डर पर बहुत ठंड है, साथ ही वहां लोगों की भारी भीड़ जमा हो रही है। उसने ये भी बताया कि भारत के और भी अनेक छात्र खारकीव में ही फंसे हुए हैं। वहां खाने और पीने की चीज़ों की किल्लत भी हो रही है, जिसके कारण लोगों की परेशानियां बढ़ने लगी हैं। उसने बताया कि 1 मार्च की शाम को वो दिल्ली एयरपोर्ट पहुंचे, वहां से वो तड़के अपने घर सांगीपुर पहुंचे। कुर्बान अली के घर पहुंचने पर उनके पिता सफाकत अली और माँ इमराना और परिवार के सभी लोग खुश हैं। कुर्बान अली और उसके पिता सफाकत अली ने यूक्रेन में फंसे सभी भारतीयों को जल्द से जल्द सुरक्षित निकाले जाने की मांग सरकार से की है। रुड़की से हमारे संवाददाता विनोद अग्रवाल की रिपोर्ट। हम वहां से 24 तारीख में पता चला था कि यूक्रेन पे हमला हो गया, तो वहां पे उस दिन से ही हम कोशिश थी ये कि जल्द से जल्द यहां से निकला जाए। तो 24 में हमसे निकला नहीं गया, 25 में हम रोमानिया बॉर्डर पे पहुंच गए थे। तो रोमानिया बॉर्डर पे हमको 2 रात और 1 दिन लगा। तो वहाँ से निकलने के बाद तो ऐसा हो गया कि हम बच गए। अब तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा डर का माहौल था पीछे, लेकिन उसके बाद तो सब सेफ फील कर रहे थे वहाँ पे आने के बाद। फिर हम 1-2 दिन वहाँ पे शेल्टर में भी रुके, उसके बाद हमको एयरलिफ्ट करके इंडिया लाया गया। भारत सरकार ने कोई मदद नहीं की? भारत सरकार ने मदद तो ये की कि एयरलिफ्ट किया हमको, उसका कोई टिकट नहीं लगा उस एयरप्लेन का, उसमें फ्री ऑफ कॉस्ट था वो। बाकी फिर वहाँ से, लेकिन बॉर्डर से निकलना बहुत मुश्किल हो रहा है, वहाँ पे बहुत ज़्यादा रश है। उसमें एम्बेसी के आदमियों ने कुछ मदद नहीं की हमारी वहाँ से निकलने में, क्योंकि वहाँ पे 2-3 दिन सबके ऐसे ही निकल रहे हैं कि 2-3 दिन ऐसे ही लग रहे हैं सबको। वहाँ पे ना खाने की व्यवस्था है और ना सर्दी, वहाँ पे आपको पता है कितनी माइनस में रहती है, -8 डिग्री -6 डिग्री टेम्परेचर अभी भी वहाँ का हो रहा है। आया गया, हम बहुत खुश हैं, सब परिवार के लोग भी खुश हैं, गाँव बस्ती के सब भी। बस थोड़ा दुख यही है कि जो वहाँ फंसे हैं भारतीय, सरकार को चाहिए कि बहुत जल्दी उनको निकालने की कोशिश की जाए। हमारे फेसबुक पेज को लाइक, फॉलो और शेयर करें, साथ ही यूट्यूब चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ताज़ा खबरों के लिए बेल आइकॉन को दबाना न भूलें।